इस समय मुरादाबाद के संभल चौराहे पर खड़ा हूं और संभल चौराहे पर करूले का पुल को 22 जनवरी से 6 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पुल की मरम्मत करने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तिथि भी घोषित कर दी है। 22 जनवरी 2023 से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक इस पुल को बंद कर दिया जाएगा। अपर जिला अधिकारी आलोक कुमार वर्मा का ये कहना है कि इस पुल की मरम्मत करने के लिए तिथि घोषित की गई है और कोशिश की जा रही है कि इस पे पैदल यात्रियों के लिए शुरू दिन में कर दिया जाए, मगर इस पर विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये तय है कि 22 जनवरी से इस करूले के पुल को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और सभी से अपील की जा रही है कि सभी लोग पंडित नगला रेलवे क्रॉसिंग को पार कर अपने स्थान तक पहुंचने का काम करें। इस दौरान जिला प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील भी की है। मुरादाबाद महानगर वासियों के लिए खबर ये है कि थाना कटघड़ क्षेत्र अंतर्गत करूला का पुल जिला प्रशासन ने 22 जनवरी से 6 अप्रैल 2023 तक के लिए बंद कर दिया है और सभी से सहयोग की अपील की है। संभल चौराहे पर करूले के पुल की मरम्मत का कार्य होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने तिथि घोषित कर दी है। 75 दिन के लिए ये पुल बंद कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन की माने तो इस पुल पर दिन में पैदल यात्रियों के चलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि पैदल यात्री इसका लाभ उठा सकें, मगर इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अपर जिला अधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने ये कहा है कि 22 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक ये पुल बंद कर दिया जाएगा। अभी कपूर कंपनी पुल को लेकर लाइन पार वासियों को राहत भी नहीं मिल पाई है कि करूला, जयंतीपुर, कोहिनूर तिराहा, ख्वाजा नगर आदि इलाकों में रहने वाले लोगों की दुश्वारियां बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, मुरादाबाद फरुखाबाद मार्ग पर स्थित डबल फाटक रेलवे पुल पर मरम्मत कार्य कराया जाना है, जिसके चलते ये पुल 22 जनवरी से 6 अप्रैल तक 75 दिन तक सभी प्रकार के वाहनों हेतु पूर्णतः बंद रहेगा। इस संबंध में प्रशासन द्वारा सूचना जारी की गई है। लाइन पार के बाद अब करूला क्षेत्र के रहने वाले लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ेगा। मुरादाबाद से संभल, बिलारी व कोहिनूर तिराहे की ओर जाने वाले वाहन अब हनुमान मूर्ति से होकर कोहिनूर तिराहे की ओर से जाएंगे और संभल बिलारी की ओर से आने वाले वाहन कोहिनूर तिराहे से हनुमान मूर्ति की ओर होते हुए मुरादाबाद में प्रवेश कर सकेंगे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए अपर जिला अधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने ये जानकारी दी कि पुल पर मरम्मत का कार्य होना है, जिसको लेकर 22 जनवरी से 6 अप्रैल तक के लिए इस पुल को बंद कर दिया गया है और सभी से सहयोग की अपील भी की गई है। देखिए, डबल फाटक का पुल में कुछ रिपेयरिंग का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है, उसी के लिए उसको बंद किया गया है 75 डेज के लिए। 75 दिनों के बाद वो पुल बनकर तैयार हो जाएगा और फिर उस पर आवागमन सामान्य तौर पर हो जाएगा। कब से ये बंद हो रहा? 22 से, कल से, हम कल से बंद करने जा रहे हैं आपको। हाँ, उसके लिए हमने एक वैकल्पिक रास्ता दे रखा है। कोहिनूर तिराहे से पंडित नगला होते हुए रास्ते में कुछ गड़बड़ी भी थी, गड्ढे वड्ढे थे, तो उसको पैच वैच सब करवा करके बराबर किया गया है। अभी अभी एक हमारे आए थे, उन्होंने कहा कि उसको हमने बराबर कर दिया है। एक तो हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान ये दे रहे हैं कि अधिक से अधिक पैदल वालों को तो निकाल सकें, गाड़ियां तो नहीं निकल पाएंगी, लेकिन पैदल वालों के चक्कर में है कि पैदल वाले निकल सके उस पुल से। तो सर, ये पैदल वालों के लिए पूरे समय खुला रहेगा 75 दिन या फिर कुछ समय के लिए खुला रहेगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल के लिए पूरे दिन खुला रहे, हमारी कोशिश यही है। कोई अपील करना चाहेंगे? सिर्फ इतना ही सा कि अगर ये पुल नहीं बनेगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। पुल बन रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है, 75 डेज के बाद फिर से वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप पुल का उपयोग करें। वो आपके शहर की एक संपत्ति है, वेल्थ है, और उसको उसका सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। इकलौता एकमात्र रास्ता है जो दसराय से आपको जोड़ता है, उसका उसका अच्छे से बना रहना ये बेहद आवश्यक है।